और दोस्तों आज मैं आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आया हूँ। कुछ लोगों ने मेरे पिछले वीडियो में कमेंट किया था कि सर अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस ये सब चेंज करना हो तो हम कैसे ऑनलाइन चेंज कर सकते हैं। तो मैंने सोचा आज इसके ऊपर एक वीडियो बना देते हैं और आप सभी को बताता हूँ मैं कि ऑनलाइन आप अपनी डिटेल्स कैसे अपडेट कर सकते हैं। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि आप अपना एड्रेस, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी कैसे ऑनलाइन चेंज कर सकते हैं अपनी वेबसाइट पे। तो सबसे पहले दोस्तों आपको ओपन कर लेना है अपना वेबसाइट foreverliving.com। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर foreverliving.com मैंने ओपन कर लिया है अपना वेबसाइट। तो ये पेज ओपन होगा, हमें यहाँ पे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए आपका आईडी और पासवर्ड तैयार रखें, यहाँ पे डाल दीजिए और लॉगिन कर दीजिए। जैसे ही आप लॉगिन करते हैं तो ये पेज ओपन होता है जो आप अभी देख रहे हैं। ये वेबसाइट अपना ओपन हो गया है दोस्तों। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अपना डिटेल चेंज करना है। तो यहाँ पे माय अकाउंट का ऑप्शन है, माय अकाउंट में आपको जाना है। माय अकाउंट ओपन करते ही ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा जूम करके मैं आपको बताता हूँ, लेफ्ट साइड पे माय प्रोफाइल का ऑप्शन दिखेगा आपको। तो यहाँ माय प्रोफाइल में जाना है। जैसे ही आप माय प्रोफाइल में जाते हैं यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस देते हैं, जैसे कि ऐड योर प्रो पिक्चर, यानी कि यहाँ पे आप अपना फ़ोटो भी ऐड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है कि मैक्सिमम साइज़ 50 KB, 50 KB से ज़्यादा साइज़ का फ़ोटो यहाँ पे अपलोड नहीं कर सकते, राइट। और जो फ़ोटो है उसका फॉर्मेट JPG होना चाहिए या फिर GIF या फिर PNG। तो यहाँ पे आप अपना फ़ोटो भी डाल सकते हैं। फिर ईमेल एंड प्रेफरेंसेस में आप देखेंगे, ईमेल में आप यहाँ पे दूसरा अगर आपका ईमेल चेंज हुआ है या फिर आपने अपडेट किया है तो यहाँ पे आप अपना ईमेल भी चेंज कर सकते हैं, ईमेल भी डाल सकते हैं। फिर ये कुछ ऑप्शंस है, यहाँ पे मोबाइल नंबर का भी ऑप्शन है, राइट। देन एड्रेस प्रेफरेंसेस में यहाँ पे आपको अपना एड्रेस डालना है, राइट। सभी लाइन्स का आपको ठीक से यूज़ करना है दोस्तों, एक ही लाइन में पूरा का पूरा एड्रेस नहीं लिखना है, सारी लाइन से उसका यूज़ करना है। यानी सारे टॉपिक्स जो भी आपके नियर बाय लोकेशन, फिर लैंडमार्क, हाउस नंबर, फ्लैट नंबर या फिर सोसाइटी नेम, ये सब कुछ अलग अलग लाइन्स में आपको लिख के फील करके यहाँ पे भर देना है, राइट। उसके बाद यहाँ पे नीचे आप देख रहे हैं वेरीफाई एड्रेस का ऑप्शन, तो यहाँ पे आपको वेरीफाई कर देना है, राइट। तो इस प्रकार आप अपना ऑनलाइन एड्रेस, फिर मोबाइल नंबर, देन ईमेल आईडी, ये सब कुछ चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मोबाइल नंबर का, टेलीफोन नंबर का भी ऑप्शन है, अल्टरनेटिव टेलीफोन का भी ऑप्शन है, राइट। तो इस प्रकार आप अपना डिटेल्स चेंज कर सकते हैं, ओके। तो इस प्रकार ऐसे आप अपनी डिटेल्स ऑनलाइन चेंज कर सकते हैं। और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए आपकी टीम में सभी लोगों के साथ। और ऐसे ही वीडियो जानने के लिए, देखने के लिए आप मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।